हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत बहुत पॉपुलर रिसर्च के बारे में, जिसमें गट हेल्थ को ऑटिज्म से लिंक किया जा रहा है। सो, इस रिसर्च में जो ये हो रही है, वर्ल्ड वाइड हो रही है, इस रिसर्च में ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि क्या गट हेल्थ पुअर होने से हमारे बच्चों के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या तरीका है जिससे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं या उसे ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सो, गट क्या है? हमारा लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंसोलिडेटेड तरीके से गट कहते हैं। अगर हमारे गट की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। एक बहुत लेमैन लैंग्वेज का एग्जाम्पल देती हूँ। कभी आपको एसिडिटी हो रही हो, या आपके स्टमक में एक हो रहा हो, या आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपके हेडेक होने लग जाता है गैस की वजह से, सो, उस समय आपका बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी को देखने का मन नहीं करेगा, और आप बहुत एजिटेटेड फील करेंगे। आप किसी के पास नहीं जाना चाहेंगे, कहीं आउटिंग पे नहीं जाना चाहेंगे, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे आपका बिहेवियर जो है एक सिकनेस की तरफ डाइवर्टेड लगेगा, या ऐसा लगेगा कि जैसे आप सोशली जो है बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली, गट हेल्थ में जो माइक्रोब्स होते हैं, गट हेल्थ को किस लिए लिंक किया जा रहा है ऑटिज्म से? अब गट के अंदर कुछ माइक्रोबायोटा होते हैं, या माइक्रोब्स मैं बोलूँ, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और फ्री रेडिकल्स को जो है हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स का काम होता है ट्रांसमीटर्स की तरह काम करना, या न्यूरोट्रांसमीटर अगर मैं कहूँ, कि जो भी मैं इन्वायरमेंट से चीज़ को सुनूंगी, समझूंगी, स्मेल करूंगी, या कुछ भी मैं जो भी इन्वायरमेंट से चीज़ को ग्रैस्प कर रही हूँ या एब्जॉर्ब कर रही हूँ अपनी बॉडी में, उसके सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो भी सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचाएंगे, उस हिसाब से मैं अपना रिएक्शन दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं से जा रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, तो मुझे जब वो खुशबू आएगी तो एकदम मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं मेरे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगे प्लेजेंट होने का, या प्लेजेंट फीलिंग का, हैप्पीनेस का। सो हम अपनी स्मेल्स से, या फिर हमने जो सुना या जो हमने फील किया, हम उससे सारी चीज़ों से, हमारी जो भी सिग्नल्स आते हैं वो सीधे ब्रेन से आते हैं। हम फिलोसफिकली तो बोलते हैं मैंने दिल से ऐसा कहा है, लेकिन एक्चुअली हम ब्रेन के थ्रू ही ये सारे सिग्नल्स जो हमारे पहुंचते हैं, हम तभी प्रोसेस कर पाते हैं चीज़ों को। अब ऑटिज्म में इसका क्या लिंक है? जो भी टिपिकल बच्चे होते हैं उनके अंदर माइक्रोब्स, या जो भी माइक्रोब्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है या जो भी वो उनकी प्रेजेंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक बच्चा जिसके अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। या तो वो माइक्रोब्स होंगे ही नहीं, या फिर वो माइक्रोब्स अगर होंगे तो वो वर्क नहीं कर रहे होंगे, या बिल्कुल एब्सेंट होंगे। सो, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है फूड को ब्रेक डाउन करने में। ज़्यादातर बच्चे जो है या तो डिहाइड्रेटेड रहेंगे, उन्हें कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो, विराज के साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा इशू रहा है बचपन में। कभी ठीक हो जाता था, कभी हो जाता था, ऑन एंड ऑफ बहुत प्रॉब्लम रहती थी इस चीज़ को लेके, अभी भी होती है। सो, मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी, पीडियाट्रिशियन के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो, वीक में 3 बार अगर बच्चा जा रहा है दैट्स नॉर्मल, एंड अगर दिन में भी 3 बार बच्चा जा रहा है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, सो यू नो, डू नॉट ओवर रिएक्ट ऑन इट। सो आई वॉज लाइक गोइंग बाय द वर्ड्स, मैं डॉक्टर जैसे बोल रहे थे मैं उसी तरह से चल रही थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने शुरू हुआ कि नहीं, ये चीज़ जो है विराज के बिहेवियर को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि जब भी विराज कॉन्स्टिपेटेड होता था, मुझे या तो वो बहुत क्रैंकी लगता था या बहुत लॉस्ट लगता था। अगर लॉस्ट नहीं लग रहा था तो मुझे वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव लगता था, और द मोमेंट ही वॉज फ्री, या जब वो फ्रेश हो जाता था, जिस दिन वो ऐसा फ्रेश हुआ, उसके विद इन 15 मिनट्स मुझे उसके बिहेवियर में चेंजेस लगते थे, काम, कंपोज, रिलैक्स। एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है, ये चाहे न्यूरोटिपिकल हो चाहे टिपिकल हो। लेकिन क्योंकि मेरा बेटा हर दूसरे तीसरे दिन इस चीज से जूझ रहा था, वहां पे मुझे ये चीज फील हो रही थी कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ जिससे मैं इसकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकूँ। सो, मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे, बहुत कंटेंट फाइंड आउट किया। अप्रोक्सीमेटली मैंने 20-25 दिन सिर्फ इसमें स्पेंड करे। फाइनली मुझे एक जो कंसोलिडेटेड मेरा कंक्लूजन निकल के आया वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने बोला था GFCF डाइट फॉलो करने से ऑटिज्म के सिम्टम्स जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं।
तो मुझे ये GFCF डाइट, ग्लूटेन फ्री एंड कैसीन फ्री डाइट, ये मुझे पता करनी थी कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपके बेबी के जितने भी ऐसे सिम्टम्स हैं, जो ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं या हाइपर एक्टिविटी है या कोई भी ऐसा सिम्टम जिसमें आपको बिहेवियर में बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है बच्चों के साथ, वो रिड्यूस हो जाएंगे। और वो रिड्यूस होने का मतलब है उनकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी। सो मैंने ये रिसर्च करी, साथ ही साथ मैंने फिश ऑयल के बारे में रिसर्च करी थी। फिश ऑयल ऑटिज्म में जो है बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर कामिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाता है, बिकॉज अटेंशन स्पैन बहुत बहुत अच्छा कर देता है। तो हम जब छोटे थे, मेरे बहुत सारे कजन्स ने 7 Seas का एक कॉड लिवर फिश ऑयल आता था वो पिया हुआ है। मेरे बहुत सारे नोन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि हम छोटे थे तो हम फिश ऑयल पीते थे। सो तब तक मुझे रेलेवेंस नहीं समझ आता था इस चीज़ का कि फिश ऑयल एक्चुअली क्यों पीते हैं या बच्चों को क्यों दिया जाता है। मैंने कभी विराज को दिया नहीं था, सो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। ग्रेजुअली जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हमें कोई चीज़ अफेक्ट करती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सो उसी तरह मैंने फिश ऑयल के बारे में भी फाइंड आउट किया कि फिश ऑयल जो है लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने में और टाइम, आपका जो अटेंशन स्पैन होता है उसको इंक्रीज करने में बच्चों में स्पेशली बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है DHA। DHA एक तरीके का एसिड है जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है आपके ब्रेन को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। ऑटिज्म में बच्चों के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से बच्चे जो है अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और लर्न भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। स्पीच में बहुत हेल्पफुल होता है फिश ऑयल। कई बच्चों, कई रिपोर्ट्स या रिसर्चेस ऐसी हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि फिश ऑयल की इनटेक से बच्चों के अंदर स्पीच आई है। बहुत सारी रिसर्चेस हैं तो ऑब्वियसली कहीं स्टैम्प्ड नहीं है कि हाँ ये रिसर्च है और आप ये करो, लेकिन जब आप चीजें पढ़ते हो यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट देम ऑन योर किड। वाई? क्योंकि आप चाहते हो कि कल को मैं ये ना सोचूं कि मैं काश एक बार ये करके देखती तो मे बी शायद ये चीज ठीक हो जाती। सो उसी तरह मैं भी एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हम लोग भी जो है बहुत कुछ सर्च कर रहे थे एंड देन वी फाइनली डिसाइडेड लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ही ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद एक हफ्ता देखेंगे और एक हफ्ते बाद देखते हैं कोई एलर्जिक रिएक्शन या कुछ इस तरह से तो नहीं हो रहा। ये रही फिश ऑयल की बात। थर्ड मैंने रिसर्च करी कैमोमाइल टी के बारे में। आपने में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, बहुत फैंसी टी लगती है सुनने में। सो मैंने एक्चुअली ये रिसर्च करी थी अपने लिए, क्योंकि मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू, आपकी तरह मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे भी दिमाग में 24 घंटे सिर्फ विराज को लेके यही थॉट चलता रहता है कि मैं नहीं हूंगी तो विराज का क्या होगा। सो मैं बहुत टेंस रहती थी और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो एंटी डिप्रेसेंट मुझे पकड़ाते और आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम एंड माई मनी एंड माई हेल्थ ऑन एनी एंटी डिप्रेसेंट विच डॉक्टर विल गिव मी। सो मैं कंसल्ट करना चाहती थी डॉक्टर को, बट आई ट्रूली वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। सो मैंने फाइंड आउट किया कि मैं ब्रेन को कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और मुझे जब रात को नींद नहीं आती थी तो मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए बहुत ड्रेनिंग हो जाता है। आप सोए नहीं होते हो, नेक्स्ट डे आपको बहुत परेशानी होती है, फिर पूरे दिन आपको काम करना है, बच्चे के साथ काम करना है। सो मैं चाहती थी एटलीस्ट जब मैं रात को सोऊं तो मैं साउंड स्लीप लूं, एटलीस्ट चाहे 5 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, जितनी भी देर सो रही हूँ आई शुड गेट अ साउंड स्लीप। सो मैंने कैमोमाइल टी के बारे में पढ़ा कि ये स्लीप को इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ये ब्रेन को रिलैक्स करती है, देन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं उनको भी कैमोमाइल टी दी जा सकती है टू काम देम डाउन। नाउ अब मैंने जब ये पढ़ा कि 6 महीने के बच्चे को ये देना सेफ है, बिकॉज ये कैफीन फ्री होती है, फ्लावर्स हैं कैमोमाइल के, बस उनको बॉईल करना है आपको एंड देन यू कैन सर्व इट एज अ वाटर। तो मैं विराज को कैसे देती हूँ, मैं कैमोमाइल एक बिल्कुल छोटा सा टीस्पून पानी में उबाल के उस पानी को ठंडा कर देती हूँ एंड देन उसे, जैसे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, ऑल्दो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये शुगरी सारी इस तरीके की ड्रिंक्स, बट एक बहुत बेनिफिशियल चीज देने के लिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ता है। सो मैं उसको वो देती हूँ रूह अफ़ज़ा मिक्स करके एंड देन ही ड्रिंक्स इट, एंड आई सी दैट यस, पीने के 20-25 मिनट बाद वो थोड़ा काम डाउन, थोड़ा रिलैक्स, हाइपर एक्टिविटी कम दिखती है मुझे।
सो क्योंकि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है सो कुछ लेवल कम हो जाता है. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब ये तीनों चीजों को मैंने अपने बच्चे के साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया है या GFCF डाइट को कैसे किया है. सो ग्लूटन होता है आपके व्हीट के अंदर, आप ड्राई के अंदर होता है, और अगर आप सर्च मारेंगे तो नॉन वेज आइटम्स आपको बहुत मिलेंगे जिसमें ग्लूटन होता ही होता है, और हम अनोइंगली नोइंगली हम उसे रोज खाते हैं. और ग्लूटन इसलिए हार्मफुल होता है क्योंकि ग्लूटन डायरेक्टली आपके स्टमक एरिया को ही अफेक्ट करता है. सो अगर आप कोई ग्लूटन वाली चीज खा रहे हैं, जब भी आप डाइट पे जाते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं कि व्हाइट चीजें सारी छोड़ दो, ग्लूटन वाली चीजें सारी छोड़ दो. तो ग्लूटन जो है वो आपकी टमी को इंक्रीज करता है, ब्लोटेड रखता है, डाइजेस्ट बहुत देर में होता है. डाइजेस्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी की बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है. सो इसीलिए बोला जाता है कि ग्लूटन फ्री डाइट पे ही चलो. नाउ कैसीन इज फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर में, दूध में, काउ मिल्क में बोलते हैं कैसीन होता है, देन घी में कैसीन है. सो कैसीन फ्री डाइट पे भी जाना था. अब विराज को दूध बहुत पसंद है, सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो पिकी ईटर नहीं है, वो खा लेता है सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे, दूध तो मैं नहीं रोक सकती थी. सो देन मैंने हाफ एंड हाफ करना स्टार्ट किया, मैंने टोन्ड मिल्क में थोड़ा सा पानी मिला के, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफरिंग इट टू हिम. शुरू में वो नहीं पीता था, आधा ग्लास पौना ग्लास जितना ही पीता था, बट उसके सब्स्टिट्यूट में मैंने उसकी सॉलिड मील्स जो है ज्यादा इंक्रीज कर दी थी कि उसे डिफिशियंसी ना हो किसी चीज की. तो जब मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी, अब लगभग मुझे इस पूरी डाइट को फॉलो करते हुए पूरे पूरे 2 महीने हो रहे हैं, और मुझे ये लास्ट के 2 महीने से जब से मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, मुझे विराज के अटेंशन स्पैन में, आई कांटेक्ट में, रिस्पॉन्स टू नेम में, और अगर मैं कहूँ अकेडमिकली या चीज़ों को लर्न करना या इमिटेट करना अगर मैं कहूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं. डेफिनेटली एफर्ट्स मार रही हूँ मैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, पूरा पूरा दिन हम उसके साथ रहते हैं, हम उसको चीज़ें सिखाते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली इसका है. सो अभी मैंने एक ये मंगाए थे, ये है ओली करके है. सो ये मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं. सो प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर बच्चे की गट हेल्थ में इश्यूज हैं, या फिर ऑटिज्म में बोलते हैं प्रोबायोटिक्स देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि प्रोबायोटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके फ्री रेडिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन में पहुंचाने के लिए. सो मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये ऑली करके जो है ये मिला था ऑनलाइन, एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, रेटिंग बहुत अच्छी थी. मल्टी वाइटमिन्स बच्चों को देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये गमीज हैं, और ये गमीज मुझे लगा कि मैं दे सकती हूँ, थोड़ा सा शुगर कंटेंट है बट ठीक है, उसमें बहुत सारे वाइटमिन्स हैं, मल्टी वाइटमिन है, और इट्स कम्प्लीटली सेफ, RDA अप्रूव्ड है, पूरा डिस्क्रिप्शन पीछे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको एक स्नैपशॉट भी दिखाती हूँ इसका. सो सब कुछ मेंशन्ड है, और कोई भी इसमें जो है हार्मफुल चीजें नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, क्योंकि मैं प्रेजर्वेटिव से विराज को बचाने की बहुत बहुत कोशिश करती हूँ. और जितनी क्लीन ईटिंग हम कर सकते हैं, हम ग्लूटेन फ्री ईटिंग करते हैं. सो वीट की जगह मैंने रागी इंट्रोड्यूस किया विराज को, सत्तू मैंने इंट्रोड्यूस किया था विराज को, और एग्स मैं किसी वजह से बहुत टाइम से नहीं दे रही थी विराज को, बिकॉज आई एम अ फर्म गॉड बिलीवर. देन आई वन डे आई थॉट कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया में अगर मुझे कोई बोलता कि एग खिला दो और ऑटिज्म दूर हो जाएगा, या विराज बिल्कुल कम्प्लीटली जो है न्यूरोटिपिकल हो जाएगा, तो क्या मैं नहीं करती तब? तो तब करती. तो मैंने पढ़ा कि एग्स में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, सो मैं नेचुरल जाना चाहती थी बहुत सारी चीज़ों को लेके. कोकोनट वाटर में प्रोबायोटिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सो बहुत नेचुरल प्रोसेस फॉलो करना चाहती थी, इसलिए मैंने फूड्स में भी ये चेंजेस करें. सो एग्स हैं, कोकोनट वाटर है, कैरेट है, पीज है, देन मशरूम है, पटेटो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि स्टार्च होता है, स्टार्च से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है और स्टमक को उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है. देन बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी है, लौकी मैं उसको देती हूँ, जूसेस मैं उसको देती हूँ, तो मैं कोकोनट वाटर और ऑरेंज जूस को मिक्स करके उसे देती हूँ. अभी समर्स चल रही हैं तो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग के टाइम आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, दोपहर के टाइम दे सकते हैं, वेरी वेरी इट विल बी वेरी इफेक्टिव अगर आप दोपहर के टाइम देते हैं. रात के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि अब एक्चुअली बारिशों का सीजन चल रहा है इंडिया में,
या अगर बहुत ज्यादा सर्दी है आपके एरिया में तो ट्राई कीजिए इसे मॉर्निंग में ही देने के लिए, रात को नहीं, बिकॉज चांसेस आर बच्चे को कोल्ड हो जाए या कोई भी ऐसी चीज हो जाए. एंड सेकेंडली जो इम्यूनिटी है आपके बच्चे की बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ऑरेंज जूस एंड कोकोनट जूस, कोकोनट वाटर को मिक्स करके बराबर बराबर प्रोपोर्शन में, हाफ ग्लास कोकोनट वाटर, हाफ ग्लास ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस, और ये सब कुछ फ्रेश होना चाहिए. प्रेजर्वेटिव से अपने बच्चों को दूर रखिए, ग्लूटन से दूर रखिए, कैसीन फ्री अगर जा सकते हैं तो ओट मिल्क और आलमंड मिल्क इसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, आप बच्चे को दे सकते हैं. विराज को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था ओट्स मिल्क और आलमंड मिल्क का, सो मुझे ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उसे कैसीन डाइट पे रखना पड़ रहा है, कैसीन मुझे देना पड़ रहा है उसको इन अ फॉर्म ऑफ मिल्क. बट मैं और डेयरी प्रोडक्ट्स पे नहीं उतना जाती, मैं पनीर नहीं देती, मैं बहुत सारी चीज़ें और कट डाउन कर देती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स में. सो प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोबायोटिक अगर आपको मिले तो मैं अभी एक स्नैपशॉट लगा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोबायोटिक्स रिक्वायर्ड होते हैं. मुझे गार्डन ऑफ लाइफ करके एक प्रोबायोटिक दिखा है बच्चों का ऑनलाइन, जो कि मैं नेक्स्ट मंगाने वाली हूँ. उसमें वो सारे प्रोबायोटिक्स हैं जो बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है. नाउ सेकेंड, अब आपको लग रहा होगा कि बिना टेस्ट कराए हम कैसे दे सकते हैं. मैंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये सब RDA अप्रूव्ड होते हैं, ये सब FDA अप्रूव्ड होते हैं, और इनमें कोई भी आपको हार्म नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, तभी ये मार्केट में है, तभी ये ऑनलाइन आपको मिल रहा है. नहीं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाए बिना आपको दवाई नहीं मिल सकती है. क्या आप ऑनलाइन बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां मंगा सकते हैं? वो दवाई अवेलेबल ही नहीं होगी. अगर आपको वो अगर ऑनलाइन मिल रहा है दैट मीन्स इट्स सेफ, लाइक क्रोसिन इज सेफ, तो आपको पता है, बस आपको अमाउंट पता होना चाहिए कितना देना है. सो पूरा पीछे मेंशन होता है. सो ये ऑली मुझे पसंद आया था. देन फिश ऑयल मैंने ये नॉर्डिक नेचुरल्स का मंगाया है, ये रहा इसका भी मैं अभी आपको क्लियर स्नैपशॉट दिखाऊंगी. ये भी मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था. इसके तो स्पेशली ऊपर लिखा हुआ है कि लर्निंग इन स्मॉल एंड हेल्प्स इन लर्निंग एबिलिटी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस पे लिखा हुआ था ये. सो मैंने जब पढ़ा, रेटिंग देखी, और नॉर्डिक नेचुरल्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड टॉप मोस्ट ब्रांड है फिश ऑयल को लेकर. सो वहां से इनफैक्ट अगर आप मल्टीविटामिंस भी ढूंढ रहे हैं, नॉर्डिक नेचुरल्स के मल्टीविटामिंस बहुत इफेक्टिव है. मुझे ऑली इसलिए मंगाना था बिकॉज मुझे प्रोबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करने थे विराज की डाइट. फिश ऑयल देने का बेस्ट टाइम होता है जब आपको लगे आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है या कुछ भी कराना है, उसे एक घंटा पहले आप उसे फिश ऑयल दे दो. लेकिन मेक श्योर कि जब आप फिश ऑयल दे रहे हो या मल्टीविटामिंस आप जब दे रहे हो, आपके बच्चे ने एक अच्छी हैवी मील खाई हो. बट आपको अगर डाउट है प्लीज बिना पीडियाट्रिशियन से पूछे मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा फंडा है, व्हेन इन डाउट जस्ट लीव इट आउट. तो आई गो बाय इट. अगर आपको डाउट है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली ट्राई इट. कैमोमाइल टी रात के टाइम सोने से पहले आपको इसको थोड़ा सा, एक चम्मच जो है लेने हैं फ्लावर्स, पानी में उबालना है, एंड देन अगर आप रूअफ़ज़ा में देना चाहते हो रूअफ़ज़ा में दे दीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम पेरेंट्स तक मेरी बात पहुंचे, बिकॉज विराज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मेरे पास जो भी मैंने लर्न किया है, मैं चाहती हूँ मैं किसी एक बच्चे की तो एटलीस्ट, अगर मेरी मेरे इस एफर्ट से किसी एक बच्चे की लाइफ भी टच होती है, कोई एक बच्चा भी इम्प्रूव होता है, देन आई थिंक दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स. एंड विराज इज हेयर. विराज, डू यू वॉन्ट टू से हेलो टू एवरीवन? कैन यू से हेलो? से हेलो. नो, हेलो, हाय. सो एक और चीज आपको बतानी थी, मेरा फेसबुक पे एक पेज है ए फॉर ऑटिज्म करके, उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब की डालती रहती हूँ जो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं. एंड उसके अलावा मैं कुछ कोट्स डालती हूँ, टेड टॉक मैं फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं या ऑटिज्म जिनको था और अब जो क्योर हो गए हैं, कुछ इस तरह से वीडियोस या जो भी रिसर्चेस मुझे मिलती रहती है मैं वहाँ डालती रहती हूँ. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई पेज ए फॉर ऑटिज्म आपको फेसबुक पे मिलेगा. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं इना चावला के नाम से वहां पर हूँ, तो आप मेरी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं. वहां मैं पर्सनल पिक्चर्स भी डालती हूँ. सो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ भी जाननी है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. टू ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइन मी रिसेंटली, इट्स लाइक यू नो आई एम सो हैप्पी कि कोई मेरी बात सुन रहा है, एंड शायद कि कहीं पे किसी बच्चे की लाइफ जो है इम्प्रोवाइज हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक भी बच्चे के साथ हुआ तो आई वुड
रियली बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज ये ही मेरा मोटिव है कि कोई दुनिया में कोई एक बच्चा इम्प्रोवाइज हो जाए इस चीज से, काश. तो थैंक यू सो मच, बाय.